नमस्कार। तीसरा अध्याय है कर्मयोग का प्रकरण। आज हम 33वां श्लोक लेंगे। इसमें भगवान ये कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति तीन गुणों से मिलकर बनी है। या तो सात्विक होगा, उच्च कोटि के गुण अहिंसा, ईमानदारी, सत्य, प्रेम, सात्विकता, आध्यात्मिकता आदि होते हैं। राजसिक में व्यक्ति सांसारिक होता है, भागदौड़ करता है भौतिक वस्तुओं के पीछे, और तामसिक गुण अधोगामी नीच प्रकार का होता है। इन तीनों के मिश्रण से हमारा स्वभाव बनता है। और आगे कहते हैं कि किसी के स्वभाव को बदला नहीं जा सकता है, जैसा गुण है वैसा ही वो व्यक्ति व्यवहार करेगा। तो इस श्लोक में भगवान यही कहते हैं। श्लोक इस प्रकार है, सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवान अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। इसमें किसी का हट क्या करेगा। इवन द लर्नेड सेट्स हिज कोर्स अकॉर्डिंग टू इनबॉर्न डिस्पोजिशन। क्रिएचर्स एक्ट इन देयर नेचर्स फोर्स ऑफ व्हाट अवेल इज कोएर्शन और रिप्रेशन। पीछे के और वर्तमान जन्म के संस्कार, माता पिता के संस्कार, वर्तमान का संग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन क्रिया, भाव आदि से कुल मिलाकर हमारा स्वभाव बनता है। ये स्वभाव सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है, और इसे निर्दोष बनाने में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं। व्यक्तिगत स्वभाव की भिन्नता महापुरुषों में भी पाई जाती है, प्रकृति में भी स्वाभाविक भिन्नता रहती है। प्रकृति तो है ही विषम, जैसे एक जाति का होने पर भी आम के फलों में भेद होता है, ऐसे ही प्रकृति शुद्ध होने पर भी ज्ञानी पुरुषों में एक प्रकार का भेद पाया जाता है। कहते सत्य ही है, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग होता है। जिसका स्वभाव शुद्ध एवं श्रेष्ठ है, उसकी क्रियाएं भी अपनी प्रकृति के अनुसार हुआ करती हैं। जिनका स्वभाव राग द्वेष युक्त है, उनकी क्रियाएं तो प्रकृति के अनुसार होती होती हैं। इस विषय में हट काम नहीं आता। हम जबरदस्ती किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते। जिसका जैसा स्वभाव है उसको उसी अनुसार कर्म करने पड़ेंगे, वैसी ही उसको प्रेरणा होगी। और जिसका स्वभाव अशुद्ध है वह अशुद्ध कर्मों में लगेगा, और शुद्ध है तो शुद्ध कर्मों में लगेगा। प्रकृति के वश में न होने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी आदर्श को सामने रखकर कर्तव्य कर्म करे। ये एक मार्ग है। अब आदर्श कहां से लाएं? आदर्श दो हो सकते हैं। एक तो भगवान के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, जैसे गीता में बातें कही गई है, वो सिद्धांत है। और दूसरा है श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण, उसका अनुसरण करना। उदाहरण के तौर पर जैसे गाड़ी खराब हो जाए तो हमारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो हम इसे खुद ठीक कर लें या फिर अच्छे मिस्त्री के पास लेकर के जाएं। महापुरुषों की संगति करना अच्छे मिस्त्री के पास जाने की तरह है। आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य की प्रकृति शुद्ध हो जाती है। जैसे नदी के प्रवाह को हम रोक तो नहीं सकते, पर नहर बनाकर मोड़ सकते हैं।
ऐसे ही कर्मों का प्रवाह रुकता नहीं पर मुड़ सकता है, क्योंकि कर्म मूल प्रकृति से निर्धारित होते हैं। भगवान ने कहा है कि इसमें हट चलेगा नहीं, इसलिए क्या करें, कैसे रुख को मोड़ें, निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करके हम जीवन के प्रवाह को मोड़ सकते हैं। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और साधक कर्म बंधन से यानी कॉज एंड इफेक्ट से मुक्त हो जाता है। बचपन के संगत कर्म पढ़ाई जैसी, संस्कार जो बचपन के संगत कर्म पढ़ाई जैसी, तीन गुणों का जैसा मेल फितरत सबने पाई वैसी, तीन गुणों का जैसा मेल फितरत सबने पाई वैसी, परवश होकर कर्म करें सृष्टि सभी रचाई ऐसी, परवश होकर कर्म करें सृष्टि सभी रचाई ऐसी। जिताई कैसी मूर्ख हो विद्वान सही, इसके बाद जिताई कैसी मूर्ख हो विद्वान सही, दुनिया का है नियम यही जैसे गुण स्वभाव वही, दुनिया का है नियम यही जैसे गुण स्वभाव वही,